हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या इस बार एमपीपीएससी की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत होने वाली है और इसकी पोस्ट कितनी होंगी, इसको लेकर भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई हैं उसमें कुछ कम पोस्ट का जिक्र है, जिससे लगातार आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पोस्ट बढ़ने वाली है और कितनी पोस्ट होंगी ये भी आपको बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को संबंधी जनों को इस वीडियो की लिंक जरूर भेज दीजिएगा। और अगर आप हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, प्रिंसिपल के नोट्स टेस्ट सीरीज कक्षाओं को देख रहे हैं, तो इन्हें ऑर्डर करने के लिए 9685702 पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा, नंबर यही है, याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एमपीपीएससी प्रीलिम 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आपको बता दें कि नोटिफिकेशन अब कभी भी जारी हो सकता है, कल जारी हो सकता है, परसों जारी हो सकता है, कभी भी किसी भी वक्त आपका नोटिफिकेशन एमपीपीएससी प्रीलिम 2022 का जारी होने वाला है। बात आती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है या उसको लेकर जो भी चीजें हैं, अभी तक एमपीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताई गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि वह दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। कारण है कंपटीशन। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में अनरिजर्व्ड का कट ऑफ 80% यानी कि 100 में से 80 नंबर तक टच कर रहा है और जो ओबीसी एससी के हमारे अभ्यर्थी थे उनका कट ऑफ जो कम जाया करता था वो भी लगभग लगभग इतना ही है, कुछ अंकों का अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव मार्किंग से अन्य राज्यों की तरह जो कट ऑफ कम होता है उसको कम करने की कोशिश है, ताकि जो बच्चों में अभ्यर्थियों में एक इमेज बन रही है कि एमपीपीएससी की परीक्षाएं इजी होती हैं, तो थोड़ा सा वो जो एक इमेज है उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर आ पाएगा एमपीपीएससी और उस पर कुछ नेगेटिव मार्किंग के जरिए जो कट ऑफ बढ़ रहा है उस पर थोड़ा सा क्या है कंट्रोल कर पाएंगे। अब आपको बताएंगे कि इसकी पोस्ट कितनी होंगी। निश्चित रूप से जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितने पद होंगे, ये दिमाग में जरूर आता है। तो देखिए, आपको पोस्ट मिलेगी लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने में एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसिपल का जो कॉन्टेंट है वो बहुत मदद करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जो अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नया सिलेबस रेडी हुआ था उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीजें जोड़ी गई थी जिस जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में आती हैं और कहीं ना कहीं वो 2-4 नंबरों से आपके मेरिट को रोक देती हैं। एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसिपल का ये कंटेंट और उसके साथ दिए हुए फैक्ट्स, नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो संग्रह है, निश्चित रूप से आप सभी की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, हेल्प करेगा और निश्चित रूप से आप आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यही बल्कि आपको मेंस, आपको इंटरव्यू, आपको हर एक तरह की परीक्षाएं, चाहे वो व्यापम की हो, पीएससी की हो, आपको परीक्षाओं से संबंधित सबसे अच्छा क्वालिटी स्टडी मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से मार्केट में एज अ स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी बुक को लेने जाते हैं तो वहां पर एक ही बुक में आपको सारी काम की चीजें नहीं मिलती हैं। मतलब घर आके जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि इसमें ये नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, इस तरह से आपको लगता है कि अब दूसरी बुक लेनी पड़ेगी या कुछ और लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल के नोट्स में आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट कॉन्टेंट। इन बुक्स के अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, सभी माध्यम में आपको ये कंटेंट हमारा मिलेगा। आपको पूरा कंटेंट कवर अप करने के बाद आखिरी में हमने दिया हुआ है आपके लिए क्या, आपके लिए
प्रश्नों का संग्रह, वन लाइन फैक्ट्स प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में हमने आपको वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो है वो कवर किए हैं। तो पूरी तैयारी करने के बाद आपको एक मानसिक संतुष्टि के लिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या पूछा जाता है, ये आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का काम करती है, इसलिए इसको भी हमने ऐड किया है। अब बात कर लेते हैं भर्तियों की। तो देखिए, आपको बता दें कि भर्तियां जो है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से पता चला है, तो 150 नहीं रहने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि इतनी ही और भर्तियां इसमें ऐड होंगी और इसका एग्जाम मई में है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे एमपीपीएससी के पास विभिन्न जो उनके विभाग हैं उससे क्या पहुंचेगी, उनके मांग पत्र पहुंचेंगे, उनको जोड़ा जाएगा। और तैयारी के लिए मैं फिर वही कहूंगा कि देखिए, जो बच्चे आपके प्रीलिम्स निकाल चुके हैं या मेंस लिख चुके हैं, उनके लिए तो देखिए ऐसा है कि वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि एक बार अच्छे से सिलेबस को देखना है, देन पुराने पेपर्स को उठा के रिवाइज करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए यही है कि सबसे पहले सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ सिलेबस को देखते रहते हैं, कभी उसका पोस्टमार्टम नहीं करते, कभी उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, जिस वजह से उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि हम बुक्स का कलेक्शन कर लेते हैं, नोट्स का कलेक्शन कर लेते हैं, हम सारी चीज़ों का कलेक्शन करके रख लेते हैं और हमारे घर में लाइब्रेरी खोल लेते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई की बात की जाए, उन बुक्स को पढ़ने की बात की जाए, तो शायद ही आप पाएंगे कि बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बुक्स लेकर आते हैं, उनको पूरा पूरा पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, उनका यूटिलाइज करते हैं। तो बजाय आप किसी सब्जेक्ट की, किसी टॉपिक की 50 बुक्स इकट्ठी करें, अच्छा है कि आप एक बुक से 50 बार पढ़ें, जिससे कि आपको याद भी होगा और जिससे कि आपको क्या होगा, जैसे कि आपको एग्जाम में वो चीजें हेल्पफुल भी होंगी। तो आई होप कि सबसे जरूरी है सिलेबस को समझना, एक एक चीज को एनालिसिस करना, देन पेपर के जो पुराने पेपर से उनके पैटर्न को समझना, उसको एनालिसिस करना, आफ्टर दैट आपका टाइम टेबल, आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि बिना अच्छी रणनीति के, बिना सही मार्गदर्शन के, सही मूल्यांकन के, ना तो मंजिल मिलती है और ना सफलता। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। नंबर है 9685705702। इस पर व्हाट्सएप करिए। धन्यवाद।